बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डायल इंस्पायरन है N51510, ठीक है, N5110। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही इसका अडाप्टर ये प्लग इन करते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अडाप्टर प्लग इन किया इसका, ठीक है, ये इधर से स्विच ऑन किया इसको, क्या ये लाइटें तीनों लाइट्स जो है ना ब्लिंक हुई हैं इसकी, लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा एलईडी से ऊपर, ठीक है। ये पावर लाइट स्टिल आना इसकी, उधर से ये बटन की लाइट भी स्टिल आना इसकी, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं है इसका, ठीक है। तो इसे चेक करेंगे इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये चीज़ एक और है कि जैसे ही इसकी ये रैम हम निकाल लेते हैं स्लॉट से, ये रैम हमने निकाल लिया स्लॉट से, बिस्मिल्लाह, अब जो है इसका अडाप्टर प्लग इन करेंगे, ये देखिए अभी इसको स्विच ऑन की है, लाइटें तीन हैं इसके, तीनों लाइटें इसकी जो है ना ब्लिंक हुई हैं, पावर लाइट ऑन है, ठीक है, ये बीप दे रहा है, रैम की बीप है, ये दो बीप जो है ना दे रहा है ये, वो ये चेक करेंगे, बीप आ रही है इसकी लेकिन डिस्प्ले नहीं है। चलें इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं प्रॉब्लम इसमें है क्या। सबसे पहले इसका जो ये बैक के ऊपर स्क्रू वगैरह है, डिटेल से मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन कर लेंगे, ये इसके स्क्रू ओपन कर ली है मुकम्मल हमने। अब इसकी जो फ्रंट से कीबोर्ड है वो कीबोर्ड इसका ओपन करेंगे, बिस्मिल्लाह जी, इसका मदरबोर्ड बाहर आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, काफ़ी जो है ना ये जंग वगैरह लगा हुआ है इसको, कंट्रोलर को भी है, ठीक है, काफ़ी जंग वगैरह इसको, इस साइड पे शायद पानी वगैरह की रहा इनसे, क्या मसला है, देखिए ये जंग लगा हुआ है। चलें चेक करते हैं इसको जी, इसका मदरबोर्ड है जी, इसकी बायस लगी हुई है, ठीक है, बायस इसकी प्रॉब्लम कर रही थी, बायस के सिग्नल पूरे बन रही थे रहे इसके, ठीक है। ये प्रोग्रामर है, इस हमने इसकी बायस का जो है ना वो डाउनलोड किया था हमने, बायस इसकी चढ़ा के, तो भी चेक कर रहे हैं आप डेल N51510, ठीक है, 10260, ठीक है, इसमें इसका मॉडल है, ये इधर मॉडल भी लिखा हुआ है इसका, ये चीज़, ठीक है, 10260 1, ये बायस इसकी चढ़ाई है, ठीक है। तो अभी इसको जो है ना स्क्रीन लगा के तो डिस्प्ले चेक कर लेंगे एक दफ़ा, लेंच ये डिस्प्ले आ गया इसका, ठीक है, ये मदरबोर्ड लगा हुआ है नीचे, चेक कर रहे हैं। अब इसको पैक करते हैं तसली से, और फिर इसकी विंडो चला के रन करके विंडो इसकी, तो फिर डिस्प्ले लेके मुकम्मल तसली कर लेंगे ज़रा। ले जी, ये बिल्कुल ओके हो गया, आज के लिए इतना ही।